ये आप देख सकते हैं। नौ दिन ऐसे ही माँ पर धूम मचेगी, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की। ये भोलेनाथ विराजमान है, शेषनांग छाया किए हुए हैं। हर आदमी जल्दी आकर सुबह दर्शन करना चाहता है, जल चढ़ाना चाहता है, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है, काफ़ी भीड़ होती है। ये पूरे मंदिर का परिसर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी कुछ भीड़ नहीं है, अभी धीरे धीरे भीड़ होती जाएगी। ये माई की धूनी है, कुंड है माई का, जैसे हवन कुंड है, जैसा कि देख रहे हैं आप। यहीं पे हवन होता है, साधना होती है माँ की। गुप्त नवरात्रि भी चल रही है समय। हमें भी सौभाग्य मिला कि हम जल्दी आकर दर्शन करने के लिए आ गए और दर्शन हो गए माई के। भक्तों की रक्षक माता है, जय।
बन डाली है और हम भक्तों की रक्षा ये माँ लहर देवी माँ का भव्य श्रृंगार आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर सजा हुआ है और बड़ा सिद्धपीठ मंदिर है ये माँ लहर देवी झांसी का। और जैसा कि कहा जाता है कि माँ आलाउदल की के समय की माता है, उनकी कुल देवी है। महाराज नमस्कार। आज से नवरात्रि चालू हो गई हैं और आप देख रहे हैं भव्य श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं जो पत्थर की शिला है, तो कुछ बताएंगे माँ के बारे में? हाँ, ये माँ को जो है आलमगढ़ लाए थे, तो जब वो यहाँ से नहीं उठी तो उन्होंने जो है इंदल की गली किसी पत्थर को ले ली। माँ नहीं उठी इधर से, वो यहीं विराजमान रही। अच्छा, माँ को आला उदल ने यहाँ मतलब विश्राम के लिए खुद भी विश्राम किया होगा? विश्राम किया, उन्होंने रख दिया, वो जो है मछला का हरण हो गया था। अच्छा अच्छा, तो इनको लड़ाई के लिए ले जा रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने बलि मांगी थी, तो उन्होंने इंद्र की बलि यहाँ पर मतलब उठने के लिए बलि मांगी थी। क्या हम जाएंगे? उठेंगे नहीं, आप लड़ाई के लिए जाओ, आप विजय होंगे। हाँ जी, तो इसी पत्थर पर उन्होंने इंद्र की बलि दी थी। तो बलि मतलब माँ को ले गए थे बलि दे के? माँ को माने इनको इंदर को जीवन दान दे दिया था कि आप यहाँ से जाइए, आपकी विजय होगी, मैं यहीं विराजमान हूँ, तो यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं पर स्थापित रहूंगा। बलि किनकी लगी थी? जी, ये बलि यही इंदल की। जो आपका कहना जो है कि आला ने अपने पुत्र की बलि दी थी इंदल की, क्यों दी थी? वो उनको विजय वो दे दिया था कि आप विजय होंगे, लेकिन हमको जो है बलि चाहिए। अच्छा, मतलब माँ यहाँ से नहीं उठी पर माँ ने मांगा कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, तो विजय हो गया, तब से यहीं विराजमान है। और दिन में तीन रूप बदलती हैं माँ, दिन में तीन रूप बदलती हैं, सुबह शाम दोपहर। माँ जहाँ जहाँ विराजमान है आज सारे मंदिरों में माँ के जय जयकारे लग रहे हैं। ये बाहर का माँ के परिसर है, यहाँ पर सारे प्रसाद अरसाद की दुकानें लगती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, अराजक तत्पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के दोनों त्यौहार इस समय पड़ गए हैं, रमज़ान भी और नवरात्रि भी। अब हम आपको माँ भद्रकाली के दर्शन कराते हैं। ये बलि का स्थान है सामने, जैसा कि देख रहे हैं ये माँ बीजासेन माई हैं। आप देख सकते हैं माँ भद्रकाली श्रृंगार किए हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। ये माँ भद्रकाली हैं, लहर गिर्द झांसी का मंदिर का नज़ारा है। नवरात्रि चालू हो गई हैं, गुप्त नवरात्रि भी चल रही हैं।
माँ सब पर कृपा बनाए रखना, सब पे आशीर्वाद बनाए रखना, धरती पे जितने भी मानव हैं और मार्केट सम्मात परिवार, हमारा खुद का परिवार, भाई, रिश्तेदार, पूरी झांसी की जनता, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। सबकी जो जाज प्रार्थना है उनकी प्रार्थनाओं को परमात्मा तक पहुंचाना। आप तो माँ हैं, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता माँ, सब पर कृपा करना। हम पूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मार्केट संवाद पर। ये माँ राधा कृष्ण हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।